हेलो जी, तो स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज चलते हैं बार्सिलोना को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो जी, घर से हम निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं अभी बार्सिलोना की जो तीसरी जो सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है जिसका नाम ग्लोरियस है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरे पीछे एक स्टैचू बना हुआ है, ऐसे स्टैचू आपको यहाँ पे बार्सिलोना में बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये बनाए पानी पीने के लिए जो नल लगे हुए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे बार्सिलोना में जगह जगह मिल जाएंगे। तो मतलब यहाँ से ये पानी पीने वाला है, पानी ऐसा नहीं है कि ये पानी नहीं पी सकते। तो अगर आप बार्सिलोना में हो तो ये पानी आप पी सकते हो। तो ये अभी हम जा रहे हैं बार्सिलोना की कैसी बिल्डिंग दिखाने के लिए, तो जो कि जो तीसरे नंबर पर आती है। उससे पहले दो बिल्डिंग्स हैं जो सबसे ऊंची हैं, और ये वाली बिल्डिंग जो है ये तीसरे नंबर पर आती है। आज गर्मी बहुत है तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग बाहर कहीं और दूसरी जगह नहीं गए। तो जी, जिस बिल्डिंग को देखने जा रहे हैं उसका नाम है तोरे ग्लोरियस। जिस बिल्डिंग की हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। मेरे पीछे ये रही वो बिल्डिंग, तो आपको कैमरा घुमा के मैं दिखाता हूँ। ये वाली बिल्डिंग है, ये 144 मीटर ऊंची है और इसमें 34 फ्लोर बने हुए हैं अंदर। जो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ऑफिस है। और जब थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूँ तो इस साइड में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि नीचे टनल बनाई गई है। और मेरे सामने एक मार्केट है, और इसमें आगे इस साइड में है पार्क। ये सारी बनी हुई पार्क, पूरी ये पार्क बनी हुई है। तो जी, इस बिल्डिंग का जो काम शुरू हुआ था वो हुआ था 1999 में। तो 2005 में ये बनकर रेडी हो गई थी। और इसके अंदर आप अगर इसका 360 व्यू लेना चाहते हो तो आप इसमें एंट्री करके आप टॉप फ्लोर पे जाकर इसका 360 व्यू ले सकते हो। तो अभी हम लोग फ़िलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी टाइम की कमी है। तो आज नहीं, फिर किसी दिन हम ऊपर जाएंगे और आपको जो है इस बिल्डिंग से 360 व्यू आपको दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लंबी बिल्डिंग तो 144 मीटर लंबी है, ये उसका एंट्री गेट है। यहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंतरादा, इसका मतलब एंट्री। तो इसको देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं सेंट्रल कमर्शियल में। अगर आप बार्सिलोना में रहते हो या फिर आप बार्सिलोना विज़िट करना चाहते हो तो इसका जो 360 व्यू है उसकी टिकट है 18 यूरो। और अगर आप इसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हो जो उसके अंदर ऊपर लास्ट वाले फ्लोर पर बनी हुई है, तो आप पैकेज ले सकते हो, उसका प्राइस है 28 यूरो। तो अगर आप बार्सिलोना में रहते हो तो आपकी एज 30 साल से कम है, आपके पास यहाँ का जो तरक्केता कोवेन है अगर वो है आपके पास, तो आपको टिकट पड़ेगी 14 यूरो की। यह मेरे पीछे है सेंट्रल कमर्शियल शॉपिंग मॉल जो है जिसका नाम ग्लोरियस है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है इस मॉल में सी एंड आकाश शॉपिंग सेंटर, ये है प्रीमोर, और ये मैक्सिमो ड्यूटी, और आगे बना हुआ है सारा का। तो चलते हैं आगे फिर। तो ये बना हुआ, ये मैक्सिमो ड्यूटी, ये भी ओपन है। तो आगे चलते हैं, ये बना हुआ है सारा का, ये है प्रीमोर, और ये जारा। तो जैसे स्पेनिश में इसको सारा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में शायद इसको जारा बोलते हैं। ये भी ओपन है। तो उसके आगे बना हुआ है H&M का। तो ये हम लोग आ गए हैं नीचे वाले फ्लोर में। मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है। ये आज संडे का दिन है, लेकिन यहाँ पे सभी शॉप्स आज ओपन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एंट्री करने जा रहे हैं लेफ्टी में। तो चलिए लेफ्टी में जाते हो, देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो करते हैं परचेज थोड़ा। हमने बैग भर के कर लिए शॉपिंग।
ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर करें। तो ये मिलते हैं फिर आपको आगे की वीडियो में, तब तक बाय बाय।